केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज कम करके यूपी की जनता को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतें 9.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की घोषणा की है। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 1.200 रुपए की कमी की गई है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को साल में 12 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई यह कमी आज से लागू हो गई, जबकि रसोई गैस की कीमतें भी प्रभावी हो जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें घटाए जाने का संगम नगरी की जनता भी स्वागत कर रही है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे माल भाड़ा कम होगा और इसका सीधे तौर पर असर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये सारे फैक्टर सारे लोगों को मालूम है, क्यों बढ़ रहे हैं क्यों घट रहे हैं, ठीक है ना। थोड़े से बढ़ेंगे थोड़े से घटेंगे, लेकिन जो बढ़ते घटते उस पर किसी भी की लाइफ में, किसी के वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबरदस्ती का इतनी बड़ी बात होती है कि 5 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये बढ़ गया, ठीक है ना। पेट्रोल चाहे जिस भी रेट में चले जाए, नॉर्मल डिफरेंस ज़्यादा किसी को नहीं पड़ता। तो अभी दाम घटे हैं, क्या राहत बड़ी खबर है? राहत है भाई, कम हुए तो जाहिर बात आ राहत है, लेकिन जब बढ़े थे तो कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं हुई, ठीक है ना। जिस टाइम दाम उसके बढ़े थे, 10 रुपये बढ़े चाहे 20 रुपये बढ़े, तो भी कोई इतनी डिफिकल्टी इतनी परेशानी की बात नहीं थी। कम हुए अच्छी बात है, कम हुए तो अच्छी जाहिर बात है, कम से पेट्रोल घटने से थोड़ा हम लोगों को राहत हुआ है कि 8-9 रुपये का घटा है, अच्छी बात है। ऐसे घटता रहे तो अच्छा हो जाए, पुराने रेट में आ जाए 70-80 में। अब राहत तो है, ये बात अलग है कि पहले बढ़े हैं फिर घटे हैं, लेकिन फिलहाल तो राहत महसूस हो ही रही है। फायदेमंद है, क्यों नहीं फायदेमंद, तो कहते हैं और 10 रुपये कम हो जाए तो और ज़्यादा फायदेमंद हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होने से उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी, वहीं ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होने से लोगों को महंगाई कम होने की उम्मीद है। जबकि रसोई गैस की कीमतें कम किए जाने का किचन के बजट पर भी असर पड़ेगा। पेट्रोल के दाम गिरने से बहुत राहत मिली है, महंगाई पर थोड़ा सा काबू आएगा, लेकिन गैस सिलेंडर के जो क्योंकि उज्ज्वल वाली जो है स्कीम है, ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि गैस सिलेंडर की छूट किसको मिली है किसको नहीं मिली है। और ये महंगाई के लिए बड़ी अच्छी बात है कि राहत मिलेगा, सरकार ने बहुत अच्छा अपना सराहनीय कार्य किया है। सब पेस्टिवल दे रहे हैं।